मेरा नाम गुलमीना है और मैं यूथ एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट के साथ एज अ प्रोग्राम मैनेजर काम कर रही हूँ। यूथ एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली SRHR पे काम कर रहा है और इस वक्त जो हमारा सेशन चल रहा है वो बेसिकली जो है वो बैरियर्स एंड स्टिग्मा रिलेटेड टू सेफ अबॉर्शन एंड पोस्ट अबॉर्शन केयर एंड मेटरनल हेल्थ सर्विसेज पे चल रहा है। सेफ अबॉर्शन एंड पोस्ट अबॉर्शन केयर पे हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि किस तरह से जो फीमेल मोर्टेलिटी रेट है वो अनसेफ अबॉर्शन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। देखिए इस्लाम जो है वो इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है जितना हम इसको स्ट्रिक्ट ले रहे हैं। अगर किसी फीमेल को, अगर किसी मदर को उसकी जान को ख़तरा है या उसके बच्चे को ख़तरा है या कोई एबनॉर्मेलिटी है या उस फीमेल को अगर वो डिलीवरी होने के बाद या ड्यूरिंग द डिलीवरी अगर उसकी जान को ख़तरा हो सकता है तो मेरे ख्याल से ये जो है एक इस्लाम में भी इस बात की इजाज़त डेफ़िनेटली होगी और इसको जो है हम बकायदा लीगलाइज़ करने की कोशिश करें। हमारा बकायदा मकसद ये है कि हम एक बिल जो है वो हम एक ड्राफ्ट जो है वो बिल का बलूचिस्तान असम्बली में हम प्रपोज कराएं और हम ये चाह रहे हैं कि इसके रिलेटेड कोई पॉलिसी बने जिससे फीमेल्स में एक शऊर आ सके और फीमेल जो है वो अनसेफ मैथड्स को छोड़ के वो सेफ मैथड्स की तरफ से जाएँ। बिल्कुल, हमारा सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ अबॉर्शन पे, सेफ अबॉर्शन पे बात करना ही नहीं है बल्कि मटर्नल हेल्थ की तरफ भी, मेटरनल हेल्थ पे भी बात करना है। हम ये चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज़ हों, ऐसी इनिशिएटिव्स लिए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से बेहतर जो है हम फैसिलिटीज़ जो है वो फीमेल्स तक पहुँचाएँ और बकायदा हम ये चाह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बलूचिस्तान में बहुत ज़रूरी है। फीमेल्स को उनके राइट्स के बारे में इन्फॉर्म करना, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है और हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट जो है ऐसी फैसिलिटीज़ बनाए, ऐसे हॉस्पिटल्स बनाएँ जिससे लोगों को जो है वो कोई मटर्नल हेल्थ इशूज़ ना हो, उनकी डिलीवरीज़ और उनकी जो बेबीज़ जो यहाँ पे जो अनसेफ मेथड से वो घरों पे जो पैदा हो रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि तमाम जो है चीज़ें वो ख़त्म हो और लोग जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। देखिए ये बात तो मैं अपने सेशन में भी बता चुकी है कि हम यहाँ पे एबॉर्शन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सेफ मैथड्स हो, लोगों को सेफली अगर कोई एबॉर्शन करवाना चाह रहा है तो वो सेफली करवाए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की फ़ीमेल जो है वो इलीगल तरीक़ों से जो है दाइज या LHVs के पास जाके वो अनसेफ मैथड्स यूज़ करती है जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है या उनकी इवन जान भी जा सकती है। तो हमारा मकसद बकायदा यहाँ पे ये नहीं है कि हम अबॉर्शन को प्रमोट कर रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि लोगों में अवेयरनेस आ सके कि ये अनसेफ मेथड है और ये जो है वो सेफ मेथड है। तो हमारा मकसद बकायदा जो है वो एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट की तरफ है, ना कि अपनी फ़ीमेल्स को जो है वेस्टर्न कल्चर की तरफ रागिब करना, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं फराज तरीन यूथ एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट के साथ मैं काम करूँ, तो अभी जो हम लोगों का पर्पस था HIV एड्स प्रिवेंशन के बारे में था, अब तो हम लोगों ने उसके लिए जो है हमारे पास जितने प्रिवेंशन सेंटर्स थे वो हमें मालूम नहीं थे। कुछ लोग इससे सफ़र कर रहे थे लेकिन वो जो है मालूम नहीं थे कि भी हम कहाँ जाके इसको ट्रीट करें। तो इसके लिए जो हमारा जो जो एसोसिएशन है, हम लोगों ने एक ऐप इंट्रोड्यूस कराई जिलीट के नाम से, जिलीट साइंसिस के नाम से। ये एक ऐसा ऐप है, हम हमारे अरब फैसिलिटेटर्स और वॉलंटियर्स ने जाके विजिट किया, इसकी जो डिटेल थी हम लोगों ने अपने DGMS ऐप जिलीट साइंसिस में ऐड कर दिया। उसे अब ईजी होगा हमारे लिए, कैसे इजी होगा, इजी इस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा सफ़र कर रहा है इस एड से, अब उसे इसका ट्रीटमेंट सेंटर नहीं पता, अब जिलीट साइंस के ज़रिए वो ऐप इंस्टॉल करेगा और जो एरिया है वो एरिया में सर्च करेगा भाई HIV एड्स प्रिवेंशन सेंटर, तो उसके लिए मुख्तलिफ सेंटर्स आ जाएंगे कि भाई फॉर एग्जांपल जिना टाउन के ये एरिया आ रहा है, शहबाज टाउन में ये एरिया आ रहा है। इसी तरह हम लोगों ने तकरीबन 120 के करीब HIV एड्स सेंटर्स को मालूम किए और जिलीट साइंस में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करा है।